9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस आदिवासी दिवस के दिन काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी शिवराज सरकार उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इस वजह से हम इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल और ग्रामीण अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद वैश्य ने एक आदिवासी युवक पर गोली चलाई और उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन अभी तक विधायक के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक के बेटे की जगह यदि कोई आम इंसान होता तो अभी तक उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। इससे साफ तो जाहिर होता है भाजपा दंगाइयों बलात्कारियों के साथ है। आदिवासियों के साथ हो रहे इन्हीं सब अत्याचारों को देखते हुए हमने तय किया है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही वचन पत्र के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव समूचे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल भाजपा की तरफ से व्याप्त है। आदिवासियों के साथ रोजाना 4 घंटे में एक आदिवासी मारपीट या अत्याचार किए हो रहा है। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे युवा नौजवान बेरोजगार इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में आ रहे हैं और अपनी जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से और कमलनाथ जी पर जो जनता का विश्वास, उस विश्वास को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने पहुंचने का काम किया, इस कारण जनता में और विश्वास बढ़ा है। क्योंकि कमलनाथ जी ने कह दिया था कि हम खरीद फरोख्त सरकार नहीं चलाना पसंद करेंगे, इस्तीफा देना पसंद करेंगे और इस्तीफा देकर जनता के बीच आए। उनकी जनता का भरोसा विश्वास है। आदरणीय राहुल गांधी जी का समूचे देश विश्वास उनके ऊपर बढ़ा है और इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।